दोस्तों फिर से स्वागत है आपका पृथ्वी बिल्डवेल के चैनल पे। मैं जागृत आपका स्वागत करता हूँ। कहाँ पर आए हम? जैन पार्क। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। थ्री बेडरूम की वो वीडियो बनाई थी हमने, थ्री बेडरूम यूनिट की। आज हम जो दिखा रहे हैं वो है टू बेडरूम। छोटी फैमिली के लिए बहुत ही प्यारी यूनिट, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत स्पेशियस है, लग्जरी है। वॉकिंग डिस्टेंस में आपको हर फैसिलिटी मिल जाती है, आपके ग्रॉसरी स्टोर से लेके कनेक्टिविटी लाइक मेट्रो, बस, ऑटो, रिक्शा सब आपको मिल जाता है। स्कूल की बात करें, स्कूल भी नियर बाय डिस्टेंस पे है। नियर बाय डिस्टेंस पे आपको द्वारका मिल जाता है और नियर बाय डिस्टेंस पे जनकपुरी, तिलक नगर, विकासपुरी भी मिल जाता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉपर्टी के टूर से और फिर एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊँगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं लिविंग एरिया बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी खुला लिविंग एरिया है। आप देखेंगे हर चीज़ की आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है, आपके स्प्लिट एसी के कनेक्शन से लेके ऊपर फॉल सीलिंग, एलईडी कंसील लाइट, कॉब लाइट्स के साथ। और हाँ दोस्तों, इवन आपको यहाँ पे जो शैंडेलियर देख रहे हैं वीडियो में, ये भी आपको लगा हुआ मिलता है, ये भी आपको फ्लैट के साथ मिलता है। साइड में देखेंगे यहाँ पे वुड की पैनलिंग कर रखी है, MCB आपको मिल जाता है आपके एसी के लिए, पेंटिंग्स मिल जाती है आपके लुक के लिए। चाहें तो आप यहाँ पे वॉलपेपर लगवा सकते हैं, आप हमें बोलिए, हम आपके लिए वॉलपेपर भी लगा के देंगे। इसके अलावा देखेंगे बिल्कुल लिविंग एरिया में आपको सामने की तरफ आपका पूरा LCD पैनल मिल जाता है, LCD पैनल वुडन, LCD लैमिनेटेड वुडन पैनल मिल जाता है। सारी की सारी आपको इंटरनल केबल मिल जाती है, वायरिंग मिल जाती है आपके टाटा स्काई डिश के लिए। TV लगाइए, प्रॉपर आपको जगह मिल जाती है, बहुत ही प्यारी लुक है और आराम से पीछे इंजॉय करिए। आप L-टाइप, U-टाइप शेप में सोफ़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अगर स्पेस की बात करें, आप आराम से यहाँ पे U-टाइप में सोफ़ा लगा सकते हैं। 3 सीट सोफ़ा यहाँ, 3 सीटर यहाँ, 4 सीटर यहाँ, तो आराम से 8 to 10 लोग आराम से आ सकते हैं। बीच में आप अपना सेंटर टेबल भी लगा सकते हैं। पीछे आप देखेंगे AC का कनेक्शन है और सामने आपको LCD पैनल मिल जाता है। ड्राइंग रूम से बिल्कुल अलग आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है। किचन देखेंगे डबल आपको स्लैब मिल जाता है दो साइड पे, एक साइड पे आपको सिंक मिल जाता है, स्लैब मिल जाता है। आपके हैवी अप्लाइंस लाइक माइक्रोवेव ओवन आपने लगाना, आप वो यहाँ लगा सकते हैं। चिमनी मिल जाती है, हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे भी मिलती है आपको, फॉल सीलिंग कंसील लाइट, कॉब लाइट्स के साथ। आप देखेंगे पूरी जगह आपको बराबर मिल जाती है और आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है आप अपना सामान रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपके फ्रिज के लिए सेपरेट जगह, आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। और आपको दो बेडरूम मिलते हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। दोस्तों खास बात इस यूनिट की, आपको दो बेडरूम के साथ, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम मिलते हैं। आप देखेंगे बेड साइड टेबल लगी हुई मिलती हैं, सेपरेट आपको वार्डरोब मिल जाती है, आप अपना बेड लगा सकते हैं, किंग साइज बेड आ जाएगा। पीछे वॉलपेपर है हैंगिंग लाइट के साथ, पूरे की पूरी आपको फॉल सीलिंग मिलती है LED कंसील लाइट, कॉब लाइट्स के साथ। सामने आप अपना TV लगा सकते हैं और आपको अटैच बालकनी मिलती है और अटैच वॉशरूम मिलता है। पहले मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है, पूरा टाइल्ड हो रखा है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है, सारा आपको सैनिटरी वेयर आपको पूरा फिटेड मिलेगा। रूम की तरफ देखेंगे आपको AC के लिए या विंडो AC के लिए जगह है, कनेक्शन दे रखा है, MCB कनेक्शन भी है और आपके स्टेबलाइजर के लिए भी सेपरेट पोर्ट दे रखा है यहाँ पे। बालकनी जैसे मैं बता रहा था, बालकनी की तरफ लेके चलेंगे आपको। जैसे मैंने आपको बताया था 2 साइड ओपन है, बैक साइड पे आप देखेंगे 15 से 20 फुट की वाइड सर्विस लाइन मिल जाती है, फ्रंट साइड पे आपको 35 फुट तक की वाइड रोड मिल जाती है। बालकनी जैसे आप देखेंगे लगभग 8 से 10 फीट आपकी लेंथ में आ जाती है। वॉशिंग एरिया के लिए सेपरेट जगह है, आप अपना वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं। पानी और बिजली दोनों का यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे ऊपर भी आपको प्रॉपर लाइटिंग मिल जाती है और पूरे का पूरा आपका बालकनी टाइल्ड एरिया है। चलिए दोस्तों सेकेंड बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। देखेंगे पूरा सेम लुक में आपको लैमिनेटेड डोर्स मिल जाते हैं और गोल्डन क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे वॉलपेपर मिल जाता है, LED कंसील लाइट, कॉब लाइट्स, फॉल सीलिंग मिल जाती है, स्प्लिट AC का कनेक्शन है और तो और आपके विंडो AC के लिए भी आपको कनेक्शन मिल जाता है, आप जो मर्जी चाहें वो लगा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे अटैच वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे भी पूरे का पूरा टाइल्ड है, नीचे से ऊपर तक एंटी स्किड टाइल्स हैं नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं सारा सैनिटरी वेयर हमने फिट करके दे रखा है। सामने की तरफ आपको LCD पैनल मिल जाता है, सारी की केबलिंग आपको यहाँ मिल जाती है आपके TV डिश के लिए, और तो और आपको हैंगिंग लाइट्स मिलती हैं और कर्टन रॉड्स भी मिलते हैं। वेंटिलेशन के लिए जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे शाफ्ट मिल जाता है और प्रॉपर वेंटिलेशन होती है। दोस्तों प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो सबसे पहले स्क्रीन लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा होगा।
मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, बहुत अच्छे होम लोन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाइए, आज ही अपना ड्रीम होम बुक करिए, एक इन्वेस्टमेंट की तरह या रहने के लिए। रेडी टू मूव इन है दोस्तों, तो आप आइए, आकर जब तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी आपका घर और सामान दोनों शिफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा रेडी टू मूव इन है। आपको मैंने सारी फैसिलिटीज़ बता दी, लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपके लिए, आपको फुल कार पार्किंग मिल जाती है, लिफ्ट मिल जाती है, इसके अलावा आपको फ्रंट साइड 35 फुट की वाइड रोड मिलती है, पीछे 15 से 20 फुट की वाइड रोड मिल जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, आपको नियर बाय ग्रॉसरी आइटम्स के लिए जो शॉप होती है वो मिल जाती हैं, कार आपका पार्क मिल जाता है, आपका पूरा स्कूल, जिम और मेट्रो स्टेशन और बाकी पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। होम लोन फैसिलिटी अप टू 90% है दोस्तों। कोई इमेजेस या कोई आपको डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, या कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।